जी, जिस तरह कल पीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा है कि एसओपीज की जो वायलेशन होगी रिलेटेड टू जो कोरोना की जो भी आजकल एक पूरे मुल्क में वबा की सिलसिले में इंस्पेक्शंस चल रही हैं, तो उसी के चक्कर में हम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसी सिलसिले में विजिट्स पर निकली थी। हमारे साथ हमें सपोर्ट किया टाइगर फोर्स के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उन्होंने, और हमने मुख्तलिफ बाज़ार विजिट किए हैं। इसमें कुछ दुकानें सील की गई हैं इसके ऊपर जिनकी वॉलेशन थी एसओपीज की, जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रखी गई या जहां लोगों ने मास्क वगैरह नहीं पहने। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये इंस्पेक्शंस चलती रहेंगी, ये ज़िला इंतज़ामिया करती रहेगी, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हमारे होगी, हमारे साथ टाइगर फोर्स की कोऑर्डिनेशन है, हमारे साथ अंजुमन ताजरान की कोऑर्डिनेशन है, और हम लोग ये तब तक एसओपीज़ के अमल दरामद पर जब तक हम लोग लोगों को ये आगाही ना दे दें कि ये उनकी अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए ख़ुद भी ज़रूरी है, तब तक हम लोग खुद निकल के ये एक्शन लेते रहेंगे। जिम्मेदारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टाइगर फोर्स बेसिकली है ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, प्राइस कंट्रोल या जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं मार्केट में, चेक करवानी होती हैं, सुपरवाइज करवानी होती हैं, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड के लिए हैं। ये हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमें कोऑर्डिनेट करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की कीमत अगर किसी पेट्रोल पंप पर महंगी है, कहीं ओवर चार्जिंग हो रही है चिकन के रेट की, सब्जियों की, फ्रूट की, किसी दुकान पर अगर एसओपीज़ की वॉयलेशन हो रही है, इनकी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन होती है, ये हमें बताते रहते हैं और फिर इंतजामिया अपना नेसेसरी एक्शन। सर, ये कोरोना वबा के बाद भी ये कि ये फोर्स अपना काम जारी रखेगी, चांसेस हैं इसके? दिस इज द डिसीजन ऑफ द हायर अप्स गवर्नमेंट की, हमें फिलहाल जो डिसीजन हमें यही कन्वे हुआ है कि आपने इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना है और इनको यूटिलाइज करना है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपीज। जी शुक्रिया सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पंजाब की तरह डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के अंदर भी टाइगर फोर्स जो है अपने फरराइज सर अंजाम दे रही है। डिस्ट्रिक्ट की तीनों तहसीलों में, तहसील शकरगढ़, जफरवाल, नारोवाल के अंदर जो है टाइगर फोर्स के जवान जो हैं एज़ पर डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर नारोवाल एंड एसी नारोवाल इसके साथ काम कर रहे हैं, और डेली दो टाइम सुबह के टाइम जो है लोगों को मास्क पहनने की तलकीन करते हैं, और दूसरा एसओपीज पे जो गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं उसके ऊपर जो है लोगों को बताते हैं कि मास्क पहने। टाइगर फोर्स के साथ साथ और इंतज़ामिया के साथ साथ हमारी पूरी आवाम की और कौम, पूरी कौम की ये ज़िम्मेदारी है कि हुकूमती बताए हुए एसओपीज हैं उन पे जो है अमल करें और ज़िंदगियां बचाएं। वबा बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। आज मार्केट के विज़िट के दौरान जो है दो तीन ख़वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है मार्केट के अंदर घूम रही थी, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है काइंडली अपनी कौम पे रहम करें, अपने आप पे रहम। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ टाइगर फोर्स के कुछ जानबाज मौजूद हैं, तो आए इनके इनसे इनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में पूछती हैं। तो जी सबसे पहले आप बताइएगा कि अभी तक आपने जो जो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दी हैं उनके बारे में ज़रा हमें जो ना अपडेट कीजिए। अभी तक तो हम बाज़ारों में जाकर एसओपीज पर अमल करवा रहे हैं, और जो कस्टमर नहीं लगा रहे और जो शॉपकीपर नहीं लगा रहे उनको हम उनको एक दो दिन पहले जब रूम किया उसके उस वक्त हमने उनको वार्निंग्स दी हैं, और उसके बाद जो है ना उनका आगे से रिस्पॉन्स अच्छा हुआ है, वो हमारे साथ बेटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अब माशाल्लाह जो है ना बाज़ारों में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है कस्टमर तो का। कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं कि जो आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो उसके हवाले से आप क्या करते हैं, उसके बारे में क्या इकदाम किए गए हैं अभी तक? जो शॉपकीपर या दुकानदार आगे से बहस करते हैं हम उससे आगे उसके साथ बहस नहीं करते, हम उधर से चले जाते हैं, हम उसका नाम वगैरह नोट करते हैं, अगर एसी साहब को दें उसका फिर नाम तो कोई कानूनी कार्रवाई होती है। जी तो आप बताइएगा कि अभी तक के कौन सी दुकानें हैं जो आप लोग सील करवा चुके हैं, आप उसके बारे में ज़रा अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, हमारा जो काम है ये सारा इखलाकियात के हवाले से है, हमने जितना भी आज तक काम किया है थोड़े दिन पहले से हम स्टार्ट हुए हैं, और सारा का सारा हमने काम अपने इखलाक के बेस पर किया है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये हुक्म था कि इखलाकियात से आपने बात करनी है, अपने 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 हैंडल करना है, हम अखलाकियात के को फॉलो करते हुए हर दुकानदार से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बताते हैं कि कोई फॉलो करें। अब उसके बाद अगर कोई फॉलो नहीं करता तो फिर वो गवर्नमेंट को हम इसका इशू नोटिस देते हैं कि जी ये बंदा फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर वो बाद में अपना एकदम जो है वो करते हैं।
नहीं अभी तक जो आपका एक्शन है ठीक है वो नारोवाल सिटी में है कि नारोवाल पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी टाइगर फोर्स अपने काम सर अंजाम दे रही है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन सर अंजाम दे रही है। जो जो इर्द गिर्द जो लोग हैं मेंबर हैं इसके वो अपना अपना काम कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं कि इसको अमल करवाया जाए। जो डिस्ट्रिक्ट में है उधर ज़्यादा बेहतर तौर पे अमल हो रहा है, मतलब अमल हो रहा है। आज हमारे साथ एसी साहब ने भी रोल लगाया वहाँ पे और एसओपी से अमल करवाने के लिए लोगों को गाइड किया। जी बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी। नाजरीन तो हमारे साथ टाइगर फोर्स के जानबाज मौजूद थे, तो मुझे इजाज़त दीजिए आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा, कैमरा मैन तलहा मान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।